नमस्कार दोस्तों, कई सारे लोगों का मेरे से ये सवाल होता है कि जब हम खुद को शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी दोनों आंखें एक समान लगती हैं, लेकिन वही जब हम खुद की फोटो देखते हैं किसी मोबाइल से खींची हुई या किसी कैमरे से खींची हुई, तो हमें अपने दोनों आंखों की साइज में अंतर लगता है। ऐसा क्यों होता है? और जब वो अपनी फोटो खुद मोबाइल से खींची हुई या कैमरे से खींची हुई देखते हैं तो उसको बार बार देखते हैं और फिर वो फोटो देख देख के परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं कि हमारी दोनों आंखों की साइज में अंतर है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी प्रश्न के बारे में आपसे बात करूँ। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हर इंसान बचपन से अपना चेहरा शीशे में देखता आ रहा है। सुबह जब हम सो के उठते हैं, जब हम मुंह धो रहे होते हैं, तब अधिकतर हमारे वॉश बेसिन के ऊपर एक शीशा लगा होता है जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। स्कूल जाने से पहले हम अपना चेहरा एक बार शीशे में देखते हैं। तो जो हमारा दिमाग होता है वो हमारे चेहरे की उस इमेज के लिए एक तरीके से अकस्टम्ड होता है, उसको आदत होती है अब हमारे चेहरे को उस तरीके से देखने की। तो क्योंकि हमारे दिमाग को चीज की आदत होती है तो फिर हमें अपना चेहरा उतना एसिमेट्रिकल या असमान नहीं लगता। अगर आंखों की साइज में हल्का फुल्का 1-2 मिलीमीटर का अंतर होता भी है तो भी हमारा दिमाग उस चीज के यूज्ड टू होता है, तो हम इस वजह से हमें अपनी आंखें उतनी छोटी बड़ी नहीं लगती हैं। सबसे पहली तो ये वजह होती है कि हमारा दिमाग, क्योंकि बचपन से ट्रेंड है, वो इस तरीके से उसको आदत पड़ी हुई है हमारे चेहरे को देखने की। दूसरा, जब हम खुद को शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी एक उल्टी इमेज दिखती है। अब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जो हमारा सीधा हाथ है वो हमें उल्टी तरफ दिखता है और जो हमारा उल्टा हाथ है वो हमें सीधी तरफ दिखता है। इस तरीके की इमेज बनती है हमारी शीशे में। तो क्योंकि ये एक पलटी हुई या एक रिवर्स इमेज बनती है तो इस वजह से हमें अपना जो चेहरा है वो ज्यादा सिमेट्रिकल लगता है, ज्यादा समान लगता है। हमें अगर दोनों आंखों की साइज में या कहीं पर अगर एक गाल थोड़ा फूला हुआ है या थोड़ा बहुत भी एसिमेट्री है तो वो हमें पता नहीं चलती है। तो अपनी एक फोटो देखते हैं जो कि किसी कैमरे या मोबाइल से ली गई होती है, तो बहुत फर्क इस बात से पड़ता है कि वो किस एंगल से ली गई है, लेंस कौन सा इस्तेमाल किया गया है या फिर कितनी लाइट होती है। हमारे जिस शरीर के जिस हिस्से पर या जिस भी चीज़ की हम फोटो ले रहे हैं उसमें जिस पार्ट में ज़्यादा रोशनी पड़ती है वो पार्ट ज़्यादा खिला हुआ, ज़्यादा बड़ा दिखता है, और जिस हिस्से पर कम रोशनी पड़ रही होती है वो हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में हल्का सा दबा हुआ दिखता है। तो इस वजह से भी हमारे चेहरे में हमें थोड़ी सी एसिमेट्री लगती है, या कभी कभी हमारे आंखों के साइज में भी इसी वजह से हमको एसिमेट्री लगती है। एक बहुत सोचने वाली और एक बहुत फैक्चुअल बात ये भी है कि जब हम अपनी फोटो मोबाइल में देखते हैं तो हम अपनी फोटो के लिए बहुत आलोचक हो जाते हैं। आलोचक से मेरा मतलब ये है कि हम अपनी स्माइल देखते हैं कैसी है, हमारे दांत कैसे दिख रहे हैं, हम पहले से मोटे हुए या वैसे ही हैं, हमारा चेहरा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, हमारी स्किन कैसी लग रही है, हमारी आंख छोटी बड़ी तो नहीं है। तो जब हम अपने लिए इतने क्रिटिक हो जाते हैं, इतने आलोचक हो जाते हैं, तो हमें अपने चेहरे में खामियां ज्यादा दिखने लगती हैं। इस वजह से भी जब हम अपनी खींची हुई फोटो देखते हैं कैमरे से या मोबाइल से खींची हुई, तो हमें अपने चेहरे में ज्यादा असमानता लगती है। इस वजह से भी हमें अपनी दोनों आंखों के साइज में थोड़ा सा अंतर लगता है, और इसी वजह से ही जब हम खुद को शीशे में देखते हैं तो हमें अपना चेहरा काफी हद तक समान लगता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।